Hey, what's up guys, Anuj here and welcome to the DSAOne course. और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बबल सॉर्ट के बारे में, ठीक है। बबल सॉर्ट आपकी एकदम बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है और आज हम उसे बड़े प्यार से अच्छे से एग्जाम्पल का समझने वाले हैं, देन सो हम कोड भी कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल समझते हैं बबल सॉर्ट कैसे काम करता है। तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास n इक्वल्स टू 5 है और इसके अंदर हम देखते हैं कि बबल सॉर्ट की हेल्प से हम इस एरे को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो बबल सॉर्ट के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को लेते हैं और उनको कंपेयर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये दो हमने नंबर्स दिए, उनको कंपेयर करेंगे। अगर राइट साइड वाला एलिमेंट लेफ्ट साइड एलिमेंट से छोटा है तो हम उनको स्वॉप कर देंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को चेक करेंगे, देन हम इन दोनों को चेक करेंगे, देन हम इन दोनों को चेक करेंगे, देन हम इन दोनों चेक करेंगे, ठीक है। अगेन हम सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे, अगेन हम ऐसे करते चलेंगे और फाइनली हमारा एरे पीछे से सॉर्ट होता जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। तो देखो, सबसे पहले हम इन दोनों को चेक करेंगे, 4 और 3, क्या राइट साइड एलिमेंट लेफ्ट साइड एलिमेंट से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम इन दोनों को स्वॉप कर देंगे। तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर स्वॉप हो जाएंगे, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर और 4 आ जाएगा यहाँ पर, बचा हुआ है आपका एरे ऐसे कैसे रहेगा। तो स्वॉपिंग हो चुकी है और अब आपका एरे ऐसे बन चुका है, अब आप यहाँ मूव कर जाओगे, ठीक है। आपने ये वाला चेक कर लिया, अब आप ये दोनों चेक करोगे, क्या राइट एलिमेंट लेफ्ट एलिमेंट से छोटा है? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट एलिमेंट बड़ा है, तो ये दोनों अपनी सही पोजीशन पर हैं। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, क्या राइट एलिमेंट लेफ्ट एलिमेंट से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम यहाँ पर इनकी स्वॉपिंग कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्वॉपिंग कर रहे होंगे, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, 7 चला जाएगा यहाँ पर। तो हमने इन दोनों एलिमेंट्स के लिए चेक कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं, क्या राइट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले एलिमेंट से छोटा है? हाँ छोटा है, तो अगेन हम इनको स्वॉप कर देंगे। स्वॉप करता हूँ मैं, तो ये वाली पोजीशन अगेन स्वॉप हो जाएंगी, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, 7 चला जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अब हमारे पास राइट में कोई एलिमेंट नहीं है चेक करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास राइट में कोई एलिमेंट चेक करने के लिए नहीं है, तो हम यहाँ पर अपने लूप को रोक देंगे और फर्स्ट लूप के अंदर या फिर फर्स्ट पास के अंदर हम देखेंगे कि राइट मोस्ट एलिमेंट जो होगा वो इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो राइट मोस्ट पोजीशन पर पहुंच गया होगा फर्स्ट पास के बाद। देख रहे हो, 7 जो था वो पहले यहाँ पर था, अब 7 अपनी असली पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है। 7 अपनी सॉर्टेड एरे के अंदर असली पोजीशन पर आ चुका है। अब आप कह सकते हो कि आपका जो अनसॉर्टेड एरे है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पहले पूरा का पूरा एरे आपका अनसॉर्टेड था एन, अब एन माइनस 1 हो चुकी है आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करना है, आगे वाले को देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब अगेन हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, एक अब दोबारा से हम 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, क्या राइट एलिमेंट लेफ्ट एलिमेंट से छोटा है? नहीं छोटा नहीं है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, क्या राइट एलिमेंट लेफ्ट एलिमेंट से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम इनको स्वॉप कर देंगे, ठीक है। 1 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, कर देते हैं स्वॉप, तो 3 1 4 5 7। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, क्या राइट एलिमेंट लेफ्ट एलिमेंट से छोटा है? नहीं छोटा नहीं है, तो हम इसको ऐसे कैसे रहने देंगे और यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। आगे 5 और 7 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 हमें ऑलरेडी पता है कि अपनी असली जगह पर है, तो 7 के साथ कुछ भी स्वॉप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस इटरेशन के बाद ये आपका फर्स्ट पास था यहाँ तक, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पास था और ये आपका सेकेंड पास है। सेकेंड पास के अंत तक आते आते हम देखेंगे कि जो सेकेंड राइट मोस्ट एलिमेंट था वो भी अपनी असली जगह पहुँच चुका है, तो 5 की पोजीशन यही रहने वाली है, 5 अपनी असली पोजीशन पर पहुँच चुका है। तो अब जो हमारे पास अनसॉर्टेड एरिया है वो ये है 3 1 4, ठीक है। अब हमें इसे सॉर्ट करना है, अगेन हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, क्या राइट एलिमेंट लेफ्ट एलिमेंट छोटा है? हाँ छोटा है, तो अगेन स्वॉप कर दो, तो इन दोनों को हम स्वॉप कर देंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1। अब चेक करेंगे 3 और 4, तो 3 और 4 अपनी असली जगह पर हैं, कोई भी जरूरत नहीं है स्वॉप करने की, और यहाँ पर हमारी थर्ड पास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पास, और थर्ड पास के एंड तक आते आते आपका देख रहे हो एरे भी पूरा का पूरा सॉर्ट हो चुका है, 1 3 4 5 7, यहाँ पर आपका एरे सॉर्ट हो चुका है। आप एक बार और एक और पास लगाओगे फोर्थ पास, और आप चेक करोगे कहीं भी आपको सॉर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, कहीं भी आपको स्वॉप करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आपको स्वॉप करने की जरूरत अभी भी पड़ रही है तो आप आगे बढ़ते रहोगे, अगर आपको लगता है कि आपको स्वॉप करने की जरूरत आगे नहीं पड़ रही तो आपका एरे पूरा का पूरा सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो नो फर्दर स्वॉपिंग इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से आपका बबल सॉर्ट काम करता है, यही होता है बेसिकली बबल सॉर्ट। आप देख रहे हो आपका एरे पीछे की तरफ से सॉर्ट होते जा रहा है, फर्स्ट पास किया हमने, फर्स्ट पास मतलब एक बार पूरा का पूरा एरे इटरेट किया, तो आपका जो राइट मोस्ट एलिमेंट था, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था, वो अपनी असली जगह पे आ चुका है। सेकंड पास के एंड तक आते आते आपका 5 अपनी जगह पर आ चुका है, अगली इटरेशन में आपका 4 अपनी जगह पर आ चुका है, देन आपका 3, देन आपका 1 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका बबल सॉर्ट काम करता है, यहाँ पर हमने इसको देख लिया है। अब जरा से कोड करके देखते हैं, कोड बहुत सिंपल रहने वाला है। पहला फॉर लूप होगा आपका 0 से लेकर n-1 तक चलेगा, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन n-1 i++, ठीक है। तो ये आपका आउटर लूप रहने वाला है जो कि ये वाला है, और अब इसके अंदर हम एक इनर लूप डालेंगे, इनर लूप जो होगा वो आपका एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक कर रहा होगा, राइट। तो इनर लूप होगा फॉर
int j equals to 0, ठीक है, ये भी आपका 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि हमेशा हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, कंपैरिजन हमेशा हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ भी हमने आगे से स्टार्ट किया, यहाँ भी हमने आगे से स्टार्ट किया, तो हर फॉर लूप के अंदर हम अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं आगे से, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, j equals to 0, j less than n minus i minus 1 j plus plus, ठीक है, तो समझ लेते हैं मैंने यहाँ पर n माइनस आई माइनस वन क्यों किया है, तो हर बार आप देख रहे हो राइट में आपका एलिमेंट सॉर्ट होते आ रहा है, राइट, राइट में आपके एलिमेंट हमेशा सॉर्ट होते आ रहे हैं, तो आपको वहाँ तक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ तक आपको स्वॉप करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप पहले ही अपने जे को रोक दे रहे हो, अपने इनर लूप को आप पहले ही रोक दे रहे हो, मैं कैसे रोक रहा हूँ, तो पहली बार मैं रोक रहा हूँ उसे जे जब हमारा आई जीरो है, तो आई हमारा यहाँ पर जीरो है, ठीक है, इन तीनों के लिए हमारा आई जीरो है, तो मैंने लूप चलाया जे लेस देन एन माइनस आई माइनस वन, मतलब एन माइनस वन तक चला रहा हूँ लूप, तो फाइव माइनस वन विच इज़ फोर, तो ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, तो 4 से कम तक चला रहा हूँ, मतलब आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, आपका J जो है वो यहाँ पर आ रहा है 7 के ऊपर तक, और आप J और J प्लस 1 के लिए चेक कर रहे हो, आपका एक इटरेशन यहाँ पर खत्म हो गया, अब आपका I हो गया 1, I हो गया 1, अगली इटरेशन के लिए हम सिर्फ यहाँ तक चेक करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ तक, इस 4 तक, ठीक है, इस वाली पोजिशन तक, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा 5 माइनस 1, आई इक्वल्स टू 1 है, तो 5 माइनस 1 माइनस 1, मतलब 5 माइनस 2 विच इज 3, तो हम 2 तक चल रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने लूप को यहीं पर रोक देंगे, जे और जे प्लस वन को कंपेयर करेंगे और बस वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि मैं पता है कि इसके बाद जो है 7 तो अपनी असली जगह पर है ही पहले ही, तो 7 के साथ हमें शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम अपने लूप को बंद कर दे रहे हैं, थोड़ा सा एक ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली, अगली बार हमने और फर्दर कम कर दिया, तो अब आई की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पर 2, ठीक है, इस जगह के लिए आपकी आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो अगला हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 1 विच इज़ 2, तो 2 से कम तक चलाना है, मतलब जे जो है वो आपको यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है, तो आप यहाँ से और यहाँ को कंपेयर करोगे सिर्फ 3 और 4 को, अगर ये अपनी जगह पर हैं तो ठीक है, वरना इनको स्वॉप कर दो, और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना, तो बेसिकली पूरा एंड तक नीचे वाले लूप को चलाने की जरूरत नहीं है, हमेशा हम पहले ही उसे रोक दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है बाद में तो सॉर्टेड एरे हमें मिल ही रहा है हमेशा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ राइट साइड वाला एलिमेंट अगर लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से छोटा है तो हम स्वॉपिंग करेंगे, तो राइट साइड वाला एलिमेंट हम देखेंगे ए, मैंने मान लिया कि जो हमारा एरे है वो है ए, अगर राइट साइड वाला एलिमेंट मतलब इफ़ ए ऑफ जे प्लस 1 इज लेस देन ए ऑफ जे, तो यहाँ पर स्वॉपिंग कर दो, ठीक है, स्वॉपिंग कैसे करेंगे, स्वॉपिंग करने का आपको मैंने मल्टीपल तरीके बता रखे हैं वैसे तो, लेकिन जो सबसे सिंपलस्ट तरीका वो जो कि एक टेम्प वेरिएबल लेके उस तरीके से आप स्वॉप कर सकते हो, मैं यहाँ पर एक स्वॉप फंक्शन लिख दे रहा हूँ बस बेसिकली, ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है, मैं इसको इंप्लीमेंट भी कर दूंगा, तो ये फंक्शन आपका बस एक एरे लेता है ए और आपके वो इंडेक्सेस लेता है जिनको आपको स्वॉप करना है, तो जे प्लस वन को हमें जे से स्वॉप कर देना है, तो यहाँ पर हमने स्वॉपिंग कर दी और हमारा एरे हमने यहीं पे रोक दिया, ठीक है, और ये अपना अपना काम करता रहेगा और इसके बाद हम इस फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे, तो ये वाली फॉर लूप की इटरेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और ये वाला जो फॉर लूप है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इस स्वॉप वाले फंक्शन को मैं आपको लिख के बता देता हूँ, तो बेसिकली एक नॉर्मल सा फंक्शन है जो कि कुछ नहीं रिटर्न करता और इसका काम है स्वॉप करना, तो ये एरे लेता है और दो इंडिसेस लेता है, सपोज करो आई और जे, ठीक है, दो पोजीशन लेता है ये आई और जे और इन दोनों को स्वॉप करता है, कैसे स्वॉप करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, आपका टाइम वेरिएबल लेके आप स्वॉप कर सकते हो ना, तो ये आपका शॉपिंग वाला फंक्शन रहने वाला है, शॉपिंग वाला फंक्शन यही रहेगा हमेशा, शॉपिंग वाला फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होने वाला, तो मैं आने वाली वीडियोस जो होंगी आपकी सिलेक्शन सॉर्ट होगा, इंसर्शन सॉर्ट होगा, उसके अंदर भी शॉप वाला फंक्शन यही रहने वाला है, तो मैं बार बार इसको नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा सा कुछ होगा आपका बेसिकली एक एरे इनपुट ले रहा है, दो इंडिसेस ले रहा है आई और जे और एक टेम्प वेरिएबल की हेल्प से दोनों को स्वॉप कर दे रहा है, टेम्प के अंदर पहले हमने ए आई डाला, देन ए आई के अंदर हमने ए जे डाला, देन ए जे के अंदर टेम्प वापस डाल दिया और यहाँ पर हमारी वो दोनों पोजीशन स्वॉप हो चुकी हैं आपस में, तो ये स्वॉप का कोड रहने वाला है। अब जरा इस वाले कोड को देख लेते हैं कि ये वाला कोड ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा इस वाले वैल्यू के लिए, तो सबसे पहले हम अंदर आएंगे, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू भी 0 है, तो जे की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, और हम चेक करेंगे क्या ए ऑफ जे प्लस 1 इज लेस देन ए ऑफ जे, तो ए ऑफ जे प्लस 1 है ये और ए ऑफ जे है ये, तो क्या ए ऑफ जे प्लस 1 लेस देन ए ऑफ जे है, हाँ, 3 इज लेस देन 4, तो इन दोनों को स्वॉप कर दो, तो आई जे प्लस 1 और जे को स्वॉप कर दो, तो जे प्लस 1 है ये और जे ये है, इन दोनों को हमने यहाँ पर स्वॉप कर दिया, स्वॉप करने के बाद 3 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है, और हमारा ये वाला इटरेशन यहाँ पर रुक गई है और हम अगली इटरेशन में आ चुके हैं, तो अब इस वाले इटरेशन के लिए चेक करते हैं, तो अब हमारा जे हो चुका है 1, ठीक है, तो अब जे यहाँ पर आ चुका है और जे प्लस 1 है ये, तो क्या ए ऑफ जे प्लस 1 इज लेस देन ए ऑफ जे, तो ऐसा नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाना है, अब जे यहाँ आ चुका है, तो क्या ए ऑफ जे प्लस 1 लेस देन ए ऑफ जे है, हाँ ऐसा है, तो इन दोनों को स्वॉप कर दो, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और अब जे आ चुका है यहाँ पर 3 पे, जे की वैल्यू हो चुका है 3, चेक करेगा क्या जे ऑफ 3
ए ऑफ थ्री और ए ऑफ फोर, तो क्या ए ऑफ फोर इज लेस देन ए ऑफ जे? हाँ ऐसा है, फाइव इज लेस देन सेवन, तो इन दोनों को स्वॉप कर देंगे हम, तो फाइव यहाँ पर आ जाएगा, सेवन यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद जे आपका बाहर आ चुका है, और जे आपका बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर लूप आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इटरेशन था इस वाले फॉर लूप का, बाहर वाले फॉर लूप का। अब यहाँ से सेकंड इटरेशन बाहर वाले लूप का स्टार्ट हो जाएगा, अगेन हम यहाँ पर आएंगे थ्री और फोर के लिए, जे इक्वल्स टू जीरो, तो हम अगेन यहाँ पर आएंगे, हम चेक करेंगे क्या ये दोनों अपनी सही जगह पर हैं, मतलब क्या ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है, तो ऐसा नहीं है, फोर इज़ ग्रेटर देन थ्री, ऐसा नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, क्या ये एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटा है? हाँ छोटा है, तो इन दोनों को स्वॉप कर दो, ठीक है। हमने स्वॉप कर दिया, यहाँ पर ये हो गया वन और फोर, अब हम आगे बढ़ जाएंगे, क्या फाइव इज़ लेस देन फोर? ऐसा नहीं है क्या, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। अब हम सेवन और फाइव को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि हमने जो लूप चला रखा है वो चला रखा है एन माइनस आई माइनस वन तक, तो एन माइनस आई माइनस वन होता है आपका, आई है आपका वन, एन है आपका फाइव, तो फाइव माइनस टू विच इज़ थ्री, तो एन माइनस वन आपका, एन माइनस आई माइनस वन आता है आपका थ्री, तो जे आपका जाएगा जे लेस देन थ्री तक, तो जे लेस देन थ्री तक, मतलब जब तक कि जे की वैल्यू लेस देन थ्री है, मतलब जे की वैल्यू टू तक जाएगा सिर्फ, तो यहाँ पर जाएगा और इसके बाद आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लूप यहाँ पर खत्म हो जाता है, और हम यहाँ पर आ चुके हैं थर्ड पास के अंदर, अब यहाँ पर भी हम सेम स्टोरी करेंगे, अगेन हम चेक करेंगे आप वन और थ्री अपनी सही जगह पर हैं, क्या ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है? तो ऐसा नहीं है, यहाँ आएंगे, क्या ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटा है? ऐसा नहीं है, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा लूप यहीं पर ब्रेक हो जाएगा ये वाला भी, और अब हम अगेन आप अगेन आ जाएंगे इस वाले लूप के अंदर, और हम अगेन यहाँ पर चेक करेंगे वन और थ्री के लिए, और वन और थ्री के लिए चेक करेंगे क्या राइट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले एलिमेंट से छोटा है? तो ऐसा नहीं है, राइट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले एलिमेंट से छोटा नहीं है, तो हम यहाँ पर इनको स्वॉप नहीं करेंगे, और यहाँ पर हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये तो हो गया नॉर्मल आपका, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई फर्दर ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पर एरे जो है वो पहले ही शॉर्ट हो चुका है, थर्ड पास के अंदर ही शॉर्ट हो चुका है, फोर्थ पास करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका थर्ड पास के अंदर ही शॉर्ट हो चुका है, या फिर आपको बाद में कभी ऐसा होता है कि आपको सॉर्टेड एरे ऑलरेडी मिल रहा है, तो आपको बार बार उसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है आगे, है ना, आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक चेक लगा सकते हैं, वो ये कि अगर आपको एक भी स्वॉपिंग नहीं करनी पड़ी इस वाले इटरेशन के अंदर, तो इसका मतलब आपको फर्दर और इटरेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, तो उसको भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बहुत छोटा सा आपको चेंज करना है यहाँ पर और वो काम हो जाएगा। मैं जरा आपको वो चेंज बताता हूँ, आप एक बूलियन बना सकते हो यहाँ पर, और वो बूलियन का काम क्या होगा, तो ये रेड से मैं बना रहा हूँ वो चेंज जो कि इसको ऑप्टिमाइज करेगा, तो मैं बूलियन बना रहा हूँ स्वॉप्ड, ठीक है, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे फॉल्स के साथ। तो मैंने एक बूलियन वेरिएबल बनाया जिसका नाम है स्वॉप्ड और इसकी वैल्यू है फॉल्स, और जब भी स्वॉपिंग हो रही है, मतलब जब भी आप यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पर आप स्वॉप कर रहे हो, तो आप इस स्वॉप्ड को कर दोगे ट्रू कि हाँ यहाँ पर हम स्वॉपिंग करने वाले हैं, और हमने स्वॉप की वैल्यू कर दिया ट्रू, तो आपने स्वॉप की वैल्यू ट्रू कर दी, तो इसका मतलब आपने एटलीस्ट एक बार स्वॉपिंग यहाँ पर करी है, ठीक है। और स्वॉपिंग करने के बाद आप यहाँ पर नीचे चेक कर लोगे, मैं इस वाले कोड को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, स्वॉप वाला कोड, तो आप यहाँ पर चेक कर लोगे इस स्वॉप वेरिएबल को कि इफ़ स्वॉप्ड इज़ ट्रू, अगर स्वॉप किया गया था तब तो आप आगे बढ़ो, अगर लेकिन स्वॉप नहीं किया गया, ठीक है, इफ़ नॉट स्वॉप्ड, तो यहीं से आप ब्रेक कर जाओ, ठीक है। तो ये आपका कोड अब यहाँ तक आ चुका है, बेसिकली आप चेक कर रहे हो, अगर आपने स्वॉप नहीं किया अंदर, इसका मतलब आपका नॉट स्वॉप्ड है, और आप यहाँ से इस बाहर वाले लूप से भी ब्रेक कर जाओ, आगे आप कभी स्वॉप करने वाले नहीं हो, आपका एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। तो ये है इसकी फर्दर ऑप्टिमाइजेशन, इससे आपका और टाइम बचता है, बेसिकली सपोज करो आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, और आपने ये वाली ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रखी थी, तो आप बार बार चेक करते जा रहे हो, राइट, बार बार आप चेक करते जा रहे हो, एन स्क्वायर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे आने वाली है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका एरे सॉर्टेड ऑलरेडी, तो आप एक भी स्वॉप नहीं करोगे वहाँ पे, और उस केस में आपका स्वॉप्ड जो है वो फॉल्स रहेगा, ठीक है, कभी भी स्वॉप ट्रू नहीं होगा, तो पहले ही बार में आपको पता चल जाएगा कि नॉट स्वॉप्ड है, और ब्रेक कर जाओगे आप बाहर वाले लूप से, तो आपका ऑफ एन में ही पता चल जाएगा। तो अगर आपका एरे बीच में कभी शॉर्ट हो जाता है, तो आप नीचे आप नहीं जा रहे होते, पहले ही आपको पता चल जाता है, तो ये वो वाली ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो ये था बबल सॉर्ट, और आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है, इस वाले कोड को हमने चला भी लिया, इस वाले ड्राई रन कर लिया, तो आपको आई थिंक बबल सॉर्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम अगली सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखेंगे। बाय बाय।